ये दोस्तों ये रामपम टाइटन जो कि एक सस्मिस वेसल है जिसका इस्तेमाल बीच ओशन में ऑयल और गैस के भंडार खोजने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका स्टर्न 70 मीटर वाइड होने के कारण इसको वर्ल्ड वाइडेस्ट और अगलेस्ट वेसल भी कहा जाता है। इसको सबसे पहली बार 26 अप्रैल 2013 को मित्सुबिशी शिपयार्ड इन नागासाकी जापान में लॉन्च किया गया था। इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और आज के दिन इसको नॉर्वे पेट्रोलियम जियो सर्विस द्वारा ऑन किया जाता है। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।